गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने गार्डन टूर। घर के दिवाली की जो साफ़ सफाई चल रही है, उसमें हमें अपने घर की तो साफ़ सफाई करते ही हैं, और हम जैसे गार्डनर अपने गार्डन को भी साफ़ करना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने आज सुबह ही सारे सफाई कर डाले यहाँ पे, और फिर से हमने जो अरेंजमेंट किए हैं वो आज मैं दिखाऊंगी आपको, और कुछ प्लांट्स के अप टू डेट भी दूंगी कि जिसमें फर्टिलाइज़र मैं दी हूँ उनका क्या रिज़ल्ट आया है। जैसे कि डहेलिया में, कुछ टाइम पहले मैं वीडियो जो अपलोड की थी डहेलिया प्लांट्स में, कि हम जो कंपोस्ट वगैरह देते हैं उससे क्या रिज़ल्ट मिला है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपने गार्डन की ओर। देखिए, ये है मेरे डहेलिया के जो छोटे छोटे ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है, जो कि बहुत ही अच्छे से इसमें न्यू ग्रोथ आ रही हैं। और ये है कैलेंडुला, कुछ टाइम में इनमें भी बर्ड्स वगैरह आना शुरू हो गई हैं, तो अब कुछ टाइम में ये भी फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। तो मैं इसी तरह से एक ग्रो बैग सा बनाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ, और इसको इस तरह से कैलेंडुला इसमें लगा दी हूँ। यहाँ पे जो छोटे छोटे से सीडलिंग थे उनको मैं इनमें ट्रांसलेट कर दी, और ये देखिए ट्रांसपोर्ट कर दी, सॉरी फ्रेंड। और ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ तो सीड जर्मिनेट होते हैं, पर कुछ नहीं हो पाए हैं। चलिए कोई नहीं, फिर भी देखिए इसमें कलियाँ आना शुरू भी हो गई हैं। देखिए, तो बस कुछ टाइम में इनमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको अपने डहलिया के प्लांट, ये देखिए फ्रेंड, ये डहलिया का जो प्लांट है वो काफ़ी घना हो चुका है, और कितने सारे इसमें नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, और कितने हेल्दी इनके लीव्स हैं, और इनमें जो इनकी देख सकते हैं कितना अच्छा ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये सब हम जो फर्टिलाइज़र इनको दिए हैं उन्हीं का कमाल है। और इसमें जब फ्लावरिंग आएंगे, और देखिए इनकी स्टीम भी कितनी मजबूत सी है, तो ये और इनके पत्ते भी काफ़ी बिग साइज़ के आ रहे हैं। तो जब इनमें फ्लावरिंग आएंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं जब इसमें कंपोस्ट दी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर की थी, कि इसमें हम थोड़ी सी नीम खली और स्टोन डस्ट और थोड़ी सी कंपोस्ट की मात्रा मिलाकर, और इसमें हर 15 दिन पे आप इसको डहलिया प्लांट को दोगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि जो डहलिया के प्लांट होते हैं इनको बहुत ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर्स में इनको फ्लावर भी करना पड़ता है, और इनके प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनके स्टीम को भी एनर्जी चाहिए। तो इसलिए इनको और सारे सीजनल प्लांट से थोड़ी सी इनको मात्रा, कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि और सब जो हमारे जो सीजनल प्लांट होते हैं वो थोड़े से नाजुक टाइप के होते हैं, पर ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए इनकी जो कंपोस्टिंग की मात्रा होती है, जो केयरिंग की मात्रा होती है, थोड़ी सी उनसे ज़्यादा इनको देना पड़ता है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं, अपने आप ही ग्रो करते हैं, अगर इनको हम 15 दिन में एक बार भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, ये चलते रहते हैं। और पानी की बात करें तो इसमें पानी जब ही दे, क्योंकि जब इनकी मिट्टी सूख जाए अच्छी तरीके से तभी दें इनमें पानी, वरना इसमें पानी देने की डेली, आप अभी विंटर्स में डेली वाटरिंग तो करते ही होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने ज़्यादा ठंड है तो हमें एक टाइम ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह भी गर्मियाँ भी हो रही हैं, तो इसलिए वो दोनों टाइम पानी वाटरिंग करते होंगे अपने प्लांट को। लेकिन यहाँ पे हम सुबह ही एक बार वाटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इनमें देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड, जो हमने जेरेनियम की कटिंग, जो सीडलिंग लगाई थी, जो आपके साथ शेयर भी की थी मैं, वो छोटे छोटे से जो पत्तों में मुझे मिले थे, ये 10 रुपीज़ के बहुत सारे पौधे हैं, इसमें बिल्कुल 10 पौधे हैं, और ये लगभग सारे देखिए मेरे जर्मिनेशन अच्छे से चल रहे हैं। तो इनको कुछ टाइम के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं सेडी एरिया में रखी थी, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है।
तो जब ये अच्छे से हमारा प्लांट थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएंगे, जब ये अपने आप को सेट सही से कर लेंगे, फिर इनको हम अलग अलग कंटेनर में लगा देंगे। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं अपने पिटूनिया के पौधे को, जो कि मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये देखिए काफ़ी छोटे से थे, अब ये इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और जब आप सीड से किसी प्लांट को ग्रो करते हो और जब उसमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होती है, तो वो कितना खुशी मिलता है। ये देखिए, और कुछ प्लांट हमारे पिटूनिया के यहाँ पर हैं, जो देखिए कितने अच्छे से हेल्दी प्लांट हो रहे हैं। और इनमें भी जो न्यूट्रिशन की मात्रा होता है, लिक्विड फॉर्म में ही दिया कीजिए, इससे इनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे ही बहुत ही अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। नहीं तो आप इसको अगर इसमें भी कोई भी कंपोस्ट देंगे, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको थोड़ी सी धूप की भी मात्रा दिखाना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे जगह रखें जहाँ सुबह और शाम की हल्की हल्की इन पे धूप आए, और पूरे दिन छाँव में रहते हैं ये। और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये है हमारा प्लांट ट्रायंगल हार्ट के, जो देखिए कि कितने बूसी से और कितने घने से हो रहे हैं। तो हमने जो नीचे ग्राउंड एरिया में लगाई हूँ, जो हैंगिंग की हूँ, उसमें उनके पत्ते ना पीले पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे धूप बहुत कम आते हैं। और ये पूरे फुल सनलाइट में है, और इनके देख सकते हैं कितने लीव्स इनके शाइनिंग कर रहे हैं, और कितने हेल्दी प्लांट लगते हैं। तो जो नेचुरल इनको केयर चाहिए, वो प्रॉपर धूप चाहिए। अगर आप इनको अच्छी धूप में रखोगे, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए मैंने एक छोटे से बास्केट में लगाई हूँ, और ये भी पूरे छोटी सी कटिंग इसमें रह गई होगी, उसी से ये पूरे बास्केट को कवर कर लिए हैं। और कितने हेल्दी से प्लांट लग रहे हैं, और इनके पत्तों की शाइनिंग तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं।